स्टेट लेवल फस्ट रैंक साधिंचिन संदर्भंलो एवरेवरिकी कृतज्ञतलु चेप्पुकोवाली फस्ट आई शुड थैंक माय मदर एंदुकंटे मा फादर चिन्न एज लो पोयिना कूडा माकी ए रोजु कूडा आ lack of नाकंटे एक्कुव मार्क ओकरिकी उंडొచ్చు इद्दरिकी उंटे नेनु इंका वेस्ट मैं करता हूं 100 ही करता हूं हमारा लड़की चाहे 200 केजी 150 केजी 100 करेगा ही करेगा। इसके बीच में एडल्ट हो गए जैसे मेरे को 15 साल 20 साल हो गया तो हम मुंह से सांस लेना बहुत जरूरी आपका हिसाब से ये वेट लॉस का सीक्रेट क्या है? मतलब कंसिस्टेंसी है, डाइट है, वर्कआउट है? वर्कआउट है सर। इसमें क्या है आपको, मैंने एक मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ ना, हमारे क्या करते हैं दवा के खाना, जैसे आप कमांडो कोर्स में भी जाएंगे, पीटी कोर्स फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स में आपको नाश्ते से लेकर शाम तक खाने के लिए बोलेगा। अगर खा के अगर वर्कआउट करेंगे तो आपका कैलोरी भी ज़्यादा मिलेगा और वर्कआउट करेंगे एनर्जी आएगा, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। हाँ, उसमें क्या होगा, हमारा जो पीटी कोर्स होता है वो सबसे डेंजर कोर्स होता है। उसमें आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं, जो पूना में है ना, तो वहाँ मैं कोर्स किया तो वहाँ क्या सिखाते हैं, डाइट दबा के खाना है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे टीबी हो जाएगा, इतना रगड़ा मिलता है ना वहाँ पर। 3 पीरियड पीटी होगा। आते मेरे को उस टाइम 8,000 तनख्वाह मिल रहा था, मैं महीने में 14,000 का जूस पीता था, गरीब घर का था। जूस बोले तो सर जूस, फ्रूट जूस, जूस। हाँ। नाश्ता छोड़ गए, जैसे पीटी खत्म हुआ। हाँ। दबा के जूस पिएगा 5-6 ग्लास, नहीं तो टीबी हो जाएगा, इतना रगड़ा है। 200-300 रुपये का उस टाइम पीता था, 2006 की बात है, मैं उस टाइम पीटी कोर्स किया था। हाँ। उस टाइम 8,000 तनख्वाह था। वहाँ 2 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा देते हैं, कोर्स 2.5 महीने का होता है ना, पेमेंट एडवांस देते हैं। हाँ। आर्मी केवल खाने के लिए। तो इस चक्कर में मेरे को विश्वास है, कुछ भी खाओ यहाँ में, जैसे आपने आज 15 चक्कर मारा है, उसके खाएंगे नहीं ना तो फिर अगले दिन नहीं कर पाएंगे फिर 15 चक्कर। तो मतलब वर्कआउट ही इम्पोर्टेंट है और डाइट भी इम्पोर्टेंट है, और अच्छा डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सर, और ये वेट लॉस के लिए ये वर्कआउट में अभी बाहर ये आपके अकेडमी में रनिंग करवा रहा है? जी सर, कुछ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, एरोबिक्स ये सब करवा रहे हैं, और वेट लिफ्टिंग भी बाहर के लोग करते हैं। मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है इस सब में, इन सभी में वेट लॉस के लिए? मैंने रनिंग है सर, मेन रनिंग है, और इवनिंग का जो कोर वर्कआउट होता है, जो कि आपने एब्स के लिए करना, क्योंकि वो मेन बीमारी यहाँ से इंजन से शुरू होता है। रनिंग केवल आपकी सांस की प्रॉब्लम ठीक करता है, वेट लॉस करता है, और रेन कोट पहन के करने से, रनिंग से ही वेट लॉस होगा। और रनिंग करने से ये सब डाइटिंग और क्या बोलते हैं, आपको बाकी अदर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, एरोबिक जुम्बा करने की जरूरत नहीं है, रनिंग ही नहीं है। सब तो बड़ा, मैं इधर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी एक आदमी को खाली डेली को आधा ही घंटा मिलने टाइम मिल रहा है, तो आप कौन सा वर्कआउट उसको सजेस्ट करते हैं? मतलब खाली रनिंग करके छोड़ दो, नहीं तो वर्कआउट मतलब ये एरोबिक्स हाई इंटेंसिटी करके छोड़ दो? मैं तो सर, मेरे हिसाब से रनिंग ही इम्पोर्टेंट है। तो मतलब अगर 1/2 घंटा किसी को है टाइम तो रनिंग ही 5-6 चक्कर मार देना ठीक है, खाली रनिंग करना। हाँ, हल्का बॉडी वेट के हिसाब से रनिंग बहुत ज़रूरी है फिटनेस के लिए। और एक और चीज़ आप बताइए, जैकेट पहन के रनिंग करना, मतलब उसका ज़रूरत क्या है? मतलब ज़रूरत ये है सर, हम देखो जैसे मैं कश्मीर में हूँ, वहाँ मैं 100 किलोमीटर भागूंगा ना, -10 टेम्परेचर में आपका पसीना नहीं छोड़ेगा। विदाउट पसीना, स्वेटिंग का आपका वेट लॉस होगा ही नहीं। सर, पसीना निकलेगा तो पानी निकलेगा तो वेट डाउन होगा, अदरवाइज आपको, आप क्या करते हैं, या रूम में भी आप एसी लगाएंगे, फैन लगाएंगे, इतना स्लीप हाफ स्लीप करेंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं आता। ये लोगों को पता नहीं है। मैं बॉक्सिंग खेला हूँ और रिंग में मैं चढ़ा हूँ, और वेट चेक होता है ना बॉक्सिंग में, ये 2 बार सर्जरी किया हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी किया है जलंधर में। मैं बॉक्सिंग खेला हूँ तो हम पूरा रेन कोट पहन के अभी वेट नहीं आएगा, तो 1 घंटे में 3 केजी कैसे करें? पूरा बॉडी में वो वैसलिन लगा दो, नहीं तो बोरोप्लस लगा दो, नहीं तो सरसों का तेल लगा दो, कोई ना कोई क्रीम लगा लो, उसके ऊपर गर्म कपड़ा पहन लो, आप 200 मीटर चलेंगे ना 200 ग्राम पसीना छोड़ देगा। इसलिए वो पहना के ये रेनकोट पहनाता हूँ, वो मेरा का वहाँ का एक्सपीरियंस। हाँ वो चीज मैं आपके एकेडमी में मतलब डिफरेंट लगा, देखा होगा ना पहन रहे सब, वो मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहनेंगे, पहनना जरूरी है वो। सर सर एक और चीज, अभी आप जो फिजिकल एक्सरसाइजेस अभी बता रहे लोगों को, कुछ मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं? जी सर, देखिए अभी यहाँ पे ज़्यादातर जो भी ओवरवेट है वो ज़्यादातर मतलब अच्छे खानदान के हैं। अब इसमें क्या होता है ज़्यादातर डिप्रेशन में जाते हैं। अभी जितने भी यहाँ हमारे हैं आधे को माइग्रेन की बीमारी है। माइग्रेन इसलिए है, मोटा हो जाता है या मोटी हो जाएगी, उनका पहले सबसे पहले उनका बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाता है, 2-3 बीमारी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बोलना नहीं चाहिए, उनका भी पीसीओडी प्रॉब्लम होता है, फैट आते हैं ज़्यादातर, आप देख सकते हैं सभी का वही है, इंडिया हो चाहे आउट ऑफ कंट्री हो सबका वही है। तो उसमें माइग्रेन अपना बढ़ जाता है। यहाँ जितने भी आए मैं इसलिए कई एक्सरसाइज करा रहा हूँ जो कि माइग्रेन दूर होने के लिए, जैसे लॉन्ग ऑफ कराया, पैर ऊपर करके हाथ नीचे, कल आपने किया 7 मिनट का था वो, फिर पैर बूटलेस पकड़ के फिर ऊपर किया, ये सब माइग्रेन की बीमारी। इसमें क्या है ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो माइग्रेन की बीमारी ऑटोमेटिक दूर होती है। और ये मेंटल मतलब कुछ स्ट्रेस रिलीविंग के लिए कुछ प्राणायाम वैसा भी कुछ सजेस्ट करते हैं, मतलब आप भी कुछ घर में करते हैं कि? हाँ नहीं सर, एक्चुअली ये प्राणायाम हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि ये तो जिसका उम्र ज़्यादा हो गया उसके लिए, क्योंकि अब रनिंग नहीं कर पाएगा तो योगा करना है। हाँ सर, योग का काम ही है, जैसे कि 50 साल हो गए तो उसके ज़रूरत है। हमारा जो वर्कआउट है ये यंग जनरेशन के लिए, उसके लिए अभी ज़रूरत नहीं है हमारे को। सर ये ऐसा कुछ मतलब ऑलरेडी कुछ डायबिटीज, बीपी, शुगर वैसा है जो लोगों को, उसके लिए भी ये वर्कआउट्स? ये सर इसमें मैं काफी वीडियो बना रखा हूँ, ऐसे ऐसे मौत के मुंह से इंसुलेशन क्या बोलते हैं वो, उस बीमारी से भी मतलब मैं वीडियो में बना रखा हूँ उनका, जिसका बीपी, थायराइड, शुगर और जो अस्थमा, ये सब बीमारी। केरला से एक बंदा आया था, अस्थमा का बीमारी था, केरला का था, वो वीडियो बना रखा हूँ। तो बोला वैसे तो मरना है, बोला बारीक सारी पर चलता हूँ, और मैं वीडियो बना रखा हूँ आप केरला का बंदे का, उसने 17 kg वेट डाउन किया, 15 किलोमीटर विदाउट ब्रेक रनिंग करके गया, सारे बीमारी उसका वो दवाई दुबई और यहाँ जितने भी थायराइड है पूरा जीरो सर, 1 महीने में आपका थायराइड गायब हो जाएगा। ये तो मेरे को ही पता नहीं था, रिजल्ट उनका आ रहा है वैसे पता चल रहा है मेरे को। अक्षय ने है ना सर? हाँ बहुत है, लड़कियाँ भी थायराइड जीरो हो गया सर। सर एक और सवाल सर, जो जब रनिंग कर रहे हैं ना, नाक से ब्रीथिंग करना है कि मुंह से ब्रीथिंग? देखिए जरा अब छोटा बच्चा है ना, तो उनके लिए क्या ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से उनका सांस चौक होने का खतरा है, जैसे ज़्यादा उम्र हो जाता है। अगर आप ओवर 60 है तो आपको सांस कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो आप 15 साल के नीचे हैं, 10-12 साल के, तो आपको नाक से सांस लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा लेना है, बच्चा या तो बूढ़ा। अगर आप इसके बीच में हैं, एडल्ट हो गए, जैसे मेरे को 15 साल 20 साल हो गया, तो हम मुंह से सांस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी फिट है तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेना जरूरी है, तो दोनों तरफ से ले सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हो गए 70 साल का 80 साल का, तो मुंह में लेने से, तो मतलब मुंह से लेने से ऑक्सीजन कुछ मतलब ज़्यादा आता है, रनिंग का मतलब लेंथ कम हो जाता है क्या, मतलब सांस ज़्यादा हो गया वैसा? देखिए सर हमारा जो पीटी कोर्स में आर्मी में क्या सिखाता है, एक पीरियड होगा पूरा गाने के साथ होगा, गाना गाने गाना है प्रैक्टिस में, 3 पीरियड होता है ना, तो 1 पीरियड बाउंड है सबको कि सभी ने गाना गाना है, जाना गाना या तो बंदे मातरम, तो कुछ ना कुछ गाना हर दिन चलता रहेगा, पूरा 40 मिनट रनिंग होगा, गाने के साथ होगा। उससे क्या होगा, अगर आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, अगर सांस फूल गया, नाक से कंटिन्यू आप नहीं ले सकते ना, मुंह से लेना ही पड़ेगा। अगर स्पीड मार दिया ना, नाक से ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सांस फूलता है, फूलते ही मुंह खुल जाता है, तो वो आदत रहेगा, तो इन फ्यूचर अच्छा है उसके लिए। सर ये कुछ सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट, नहीं तो लेना है कि नहीं लेना है ऐसा कुछ है? मतलब सप्लीमेंट बोले तो B कॉम्प्लेक्स से लेके, हाँ ये जरूरी है, ज़्यादा मतलब प्रोटीन शेक लेते हैं कुछ लोग, फिर क्रिएटिन पाउडर वैसा कुछ जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो सब? देखिए सर कोई भी जैसे दारू होता है सर, ये भी एक सप्लीमेंट्री है, तुरंत पियो रिकवर ले लो टेंशन दूर करने के लिए। प्रोटीन भी वैसा ही है, क्रिएटिन का अलग काम है, प्रोटीन का अलग काम है, ग्लूटामिन का अलग काम है। लेकिन सजेस्ट ये है अगर आप नॉर्मल फिटनेस रहना चाहिए तो कुदरती काजू बादाम इंडिविजुअल ला के खाओ, नेचुरल खाओ सप्लीमेंट। हाँ, किसी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट तो होगा सर। चबा के खाना काजू ज्यादा, ये स्प्रोटीन बादाम बादाम लेना। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स का आप टेबलेट ले सकते हैं, कैल्शियम का ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, है ना। अभी कोशिश के टेबलेट आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, जिंको भी, ये सब ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट का कई प्रकार का स्टेरॉइड भी लेते हैं, वो ठीक नहीं है सर। और ये जो हैवी वेट लोग हैं आपके अकेडमी में आके जो वजन कम करें, तो उसमें मैं एक पेक्यूलर चीज़ देखा। जो भी बाहर के अकेडमी और बाहर के लोग ज़्यादा वेट सडनली, मतलब सडनली बोले तो 3-4 महीने में कम करे तो भी उसका स्टमक का चल भी हाँ सैगिंग करता है। पर आपका अकेडमी में ये नहीं हो रहा, मतलब क्या, मतलब फर्क क्या है? फर्क सर, मैं डेली इवनिंग को जो है ना कोर वर्कआउट कराता हूँ। जैसे आपने कल देखे होंगे ना, वो पूरा पेट का ही होता है। खड़े खड़े होगा वार्म अप से, आपने देखा होगा, फिर लेट के वो पेट का ही होता है। सुबह केवल रनिंग ज्यादातर डेली होगा आपका, लॉन्ग रनिंग, और उसके बाद शाम को केवल पेट का। तो और मैं आपको उस दिन दिखाया था ना, ये लड़का फोटो दिखाया था, ये ओम करके, इसका ऐसे चमड़ा लटक रहा था, आपको दिखाया था शायद, है ना, बाद में दिखा दे। वो पूरा पेट ऐसे करके सिक्स पैक आ गया उसका। हाँ, ऐसे ऐसे था। क्योंकि शाम को मिनिमम बाकी लोग क्या करते हैं, 20-20 का हर एक रेप करते हैं जो कोर वर्कआउट करते हैं। और आपने देखा होगा मैं 100 से नीचे करता ही नहीं, सभी को पता है 100 से ऊपर ही जाएगा जितना भी होगा। वो क्या है, ग्रुप में रह के विल पावर आ जाता है। दुनिया साइंस कैसे चेंज होता है सर, कि बोलता है कि नहीं 20 ही मारो, 30 ही मारो, क्योंकि ये चला आ रहा है इंडिया में। अब मैं करता हूँ 100 ही करता हूँ। हमारा लड़की चाहे 200 kg हो, 150 kg हो, 100 करेगा ही करेगा। आपके सामने कल देखो मैंने, 100 से पहले रुकता नहीं है कोई, क्योंकि वो हमारा यहाँ आदत हो गया। तो फैट क्या धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा सर। और ये कुछ लोगों को ऑलरेडी नी पेन्स रहता है, वो आप जो वर्कआउट दिखा रहे हैं ना वो कर नहीं पाते। हाँ। तो उन लोगों का कुछ सजेशन है क्या, मतलब टिप्स है क्या? टिप्स है सर, ओवरवेट है, क्या होता है कहीं भी जाते हैं तो चाहे हमारे भी यहाँ आते हैं जोश जोश में, बॉडी का एफर्ट 100% 90% लगा देते हैं क्योंकि हैवी वेट है। इतना स्प्रिंट नहीं मारना चाहिए। अगर हाईली भी करते हैं तो आपको अपने हिसाब से करना है, किसी को देख के स्पीड मत कर दो, क्योंकि आप जैसे जितना वजन है उसके हिसाब से करना है। आज के दिन लिए नहीं, परमानेंट देखना है कि मेरे को कितना स्पीड से करने से, क्योंकि आपको नए नए में कर देते हैं, उससे क्या होता है उनको पता नहीं लगता। 3 से 4 दिन पेन आएगा। जैसे आज आपने रनिंग किया है, इसका पेन परसों आएगा, परसों श्योर आएगा आपको, आज नहीं पता चलेगा, परसों शाम को स्टार्ट हो जाएगा ये पेन होना, मसल फुसल, आपको पता ही है। तो वैसे ये नए नए आते हैं ना, ये स्प्रिंट मार देते हैं, वो गलत चीज़ है। मैं इसलिए मैं पहले जॉगिंग कराता हूँ, नहीं तो वॉकिंग करो जब तक वेट नहीं जाता। हैवी वेट है तो पहले वॉकिंग कर, क्योंकि जितनी कमर रखना बचा के बहुत जरूरी है। मैं उसके हिसाब से बहुत कम लोगों को हमारे यहाँ ऐसे होता है सर। सर और कुछ लोग अबव 60 years वो भी ज़्यादा वेट है, मतलब ओल्ड एज, तो उसको भी कुछ मतलब वेट कम करने के लिए? हाँ सर, अभी मैं जो एक लॉन्च हो रहा है ना हमारा, उसमें पूरा मैं बताया हूँ कि विदाउट रनिंग आपको किस प्रकार 40 मिनट घर में करना है। मेरे चैनल में भी 40 मिनट 1 आवर का वीडियो है, जो कि घर पे रूम के अंदर ही बैठ के आप विदाउट रनिंग किस प्रकार कितना स्पीड में करना है वो सब उसमें बता रखा हूँ। तो आप में पूरा एक्सरसाइज रहता है सर आपका, ठीक है सर।